हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निकालने वाले हैं मलाई से घी, जो ना ही आपको मिक्सर की ज़रूरत है ना ही और किसी चीज़ की, बस सिंपल हाथ से निकाल के तैयार हो जाएगा, ना ज़्यादा बर्तन होंगे और जल्दी से बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है मलाई, 15 दिन की मलाई है ये। इसे 2 दिन के लिए बाहर रख दिया था फ्रिज से निकाल कर, तो ये इस तरीके की हो गई है। आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हल्की फील होने लग जाती है, मतलब ये घी निकालने के लिए तैयार है। तो इसको हम कर देंगे एक तपेले में ट्रांसफ़र और 2 मिनट के लिए इसे चला लेंगे। इस तरह से फेंटना है आपको और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल देंगे। इस तरह से बर्फ़ डाल देंगे इसके अंदर और इसके साथ ही 1 गिलास पानी भी डाल देंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हाथ से ही फेंट लेंगे। बस इस तरह से आपको फेंटना है। आप देख सकते हैं मक्खन हमारा अलग हो गया है और छाछ बिल्कुल अलग हो गई है इसकी। अब इसमें 1 गिलास और पानी डाल देंगे और फिर 1 मिनट के लिए चला लेंगे इसको इस तरह से। अब ये गरम करने के लिए तैयार हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चम्मच निकाल लेंगे और इस तरह से आपको हाथ से इसको निकालना होगा, इसकी छाछ अलग करनी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका, आप इस तरह से बोल बना लें और धीरे धीरे इसको दबा दबा के इसकी जितनी भी छाछ है उसको अलग कर लें और जिस बर्तन में मलाई थी उसी बर्तन में ये सब रखते जाएंगे। और इस तरह से सारा मैंने जो मक्खन है वो अलग कर लिया और छाछ बच गई है। इस छाछ को आप मीठे नीम के अंदर डाल सकते हैं, अगर आपके पास मीठा नीम का पौधा है तो। ये पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो अब मक्खन निकल के तैयार हुआ है इसे तपेले में ट्रांसफ़र कर लेंगे और गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं आप, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसको चलाते रहना है और ध्यान रखना है कंटिन्यू आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। अब देख सकते हैं पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं होती है जब तक आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी। बस सेम आपको इसे हिलाते रहना है। अब अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गई तो अब आप इसे छोड़ सकते हैं। अब इसमें 2-2, 3-3 मिनट की गैप में आप इसे चला सकते हैं। बस 2 मिनट में चलाना है फिर छोड़ देना है। 20-25 मिनट लग जाते हैं इसको गर्म होने में। अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, अब आपको फिर से कंटिन्यू इसको चलाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं आप, घी अलग होना स्टार्ट होने लग गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट और लगेंगे इसको अच्छे से गर्म होने के लिए। अब घी अच्छे से इसमें अलग हो गया है लेकिन जो इसका वेस्ट है ना वो अभी भी वाइट है, तो इसको वाइट नहीं रखना है। अगर इस तरीके से आप छान लोगे ना तो घी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको 2 मिनट के लिए और गर्म करना है जब तक कि अंदर का जो वेस्ट है ये वाइट से ब्राउन नहीं हो जाए। अब ये है ना, ब्राउन हो गया है, जब ज़्यादा झाग बनने लग जाते हैं तो इसका मतलब घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे इस तरह से अच्छे से। जैसे आप हिलाओगे तो झाग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको साइड में रख दिया था, 2-3 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो गया है। अब इसे छान लेंगे, एक बर्तन लेंगे, स्टील की छन्नी लेंगे और उसमें हम इसको छान लेंगे। ऊपर ऊपर से जो आता है उसे हम स्टोर करने के लिए अलग छान लेंगे और जो नीचे नीचे का पोर्शन बचता है ना उसमें नीचे का बारीक बारीक ब्राउन ब्राउन पार्ट आता है, तो इसे हम डेली यूज़ में जो यूज़ में लेते हैं ना रोटी में घी लगाने के लिए, उसमें छान लेंगे ताकि ये इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें छान लेना है, इसको दबा दबा के चम्मच से निकाल लेना है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत घी बच भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे हम फिर से तपेले के अंदर डाल देंगे जिसमें हमने गर्म किया था उसी में, और इसके अंदर 1-1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसको गर्म करके उबाल के और फिर से छान लेना है आपको लोटे वगैरह के अंदर पानी को। और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे फ्रिज में रख देना है, ताकि जब आप फ्रिज में रखेंगे तो जो जो घी होगा ना उसकी लेयर ऊपर आ जाएगी, तो उसे आप आसानी से चम्मच से निकाल सकते हैं और जो पानी होगा उसे आप फेंक सकते हैं। और जो घी बचता है ना उसे आप सब्जी में या फिर हलवा वगैरह जो भी बनाना चाहें जिसमें डालना चाहें उसमें डाल के और खा सकते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा घी निकल के तैयार।